दोस्तों, क्या आप अपने चेहरे को गोरा, चमकदार और सुंदर बनाना चाहते हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को गोरा, चमकदार और बेदाग बना सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे पर काफ़ी अच्छा निखार आएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है नुस्खा। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो भी चीज़ें ली हैं, काफ़ी असरदार और बहुत ही आसानी से मिल जाने वाली चीज़ें हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए मैं लूँगा यहाँ पर सबसे पहले खाली बाउल। इस खाली बाउल में मुझे सबसे पहले यहाँ पर लेनी है वो दोस्तों बोरो प्लस क्रीम, जो कि दोस्तों एक एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक क्रीम होती है। ये हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों, हमें यहाँ पर इसमें आधा चम्मच बोरो प्लस क्रीम ऐड करनी है, जो कि मैंने इसमें आधा चम्मच के बराबर बोरो प्लस क्रीम ऐड कर ली है। दोस्तों, इसके बाद अगली चीज़ जो हम लेंगे वह दोस्तों एलोवेरा जेल। हमें इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करना है। एलोवेरा जेल दोस्तों हमारे चेहरे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके इस्तेमाल से चेहरे से पिंपल्स, रिंकल्स और झुर्रियाँ, झाइयाँ दूर हो जाती हैं। एलोवेरा जेल हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। एलोवेरा जेल की मदद से चेहरे पर निखार आता है। एलोवेरा जेल हमारे चेहरे के दाग धब्बे, काले निशान और कालेपन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देता है। दोस्तों, दोनों चीज़ें लेने के बाद मैं अगली चीज़ जो हम इसमें लेंगे वो दोस्तों नारियल का तेल। तो हमें इसमें आधा चम्मच नारियल का तेल ऐड करना है। नारियल का तेल हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके इस्तेमाल से स्किन ग्लो करने लगती है। नारियल का तेल हमारे त्वचा के अंदर तक जाकर त्वचा को निखारने का काम करता है। दोस्तों, नारियल के तेल की जगह पर आप बादाम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही तेल हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तीनों चीज़ें लेने के बाद में दोस्तों आखिरी चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वह दोस्तों सिंपल वाला कॉलेट का पेस्ट, जो कि आप मेरे पास देख रहे हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर सिंपल वाला कॉलेट का पेस्ट लेना है। दोस्तों, इस नुस्खे को गर्मियों में इस्तेमाल करने के लिए आपको इसमें थोड़ी सी मात्रा में सिंपल वाला कॉलेट का पेस्ट ऐड करना है। ध्यान से देखिए, सिर्फ इतनी सी मात्रा में हम इसमें कॉलेट का पेस्ट ऐड कर लेंगे। कॉलेट का पेस्ट हमारे चेहरे को ठंडक देता है, साथ ही हमारे चेहरे को मुहासों से फ्री रखता है। अगर आपके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा मुहासे हैं तो दोस्तों कॉलेट का पेस्ट आपके चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा है। तो सारी चीज़ें लेने के बाद दोस्तों अब इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना के तैयार करेंगे। दोस्तों, इस पेस्ट की खासियत यह है कि इस पेस्ट को आप एक साथ बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप चाहो तो इसे किसी खाली डब्बे में स्टोर करके रख लें और रोज़ाना इसे अपने चेहरे पर इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसे चेहरे पर किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये एक तरह से क्रीम की तरह काम करेगा, जो कि हमारे स्किन को काफ़ी तेज़ी से गोरा चमकदार बनाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमारी सारी चीज़ें मिक्स होकर तैयार हैं। तो ये हमारी एक क्रीम बन के तैयार हो चुकी है। दोस्तों, इसे लगाने का तरीका वो ये है, आप रात को सोने से पहले इसे अपने उंगलियों की मदद से अपने पूरे चेहरे पर लगा लें। आपको इसे फेस पैक की तरह नहीं लगाना। दोस्तों, आप जिस तरीके से अपने चेहरे पर क्रीम लगाते हैं, ठीक इसी तरीके से आपको गोल गोल इसकी मसाज करनी है। मसाज आपको अपने चेहरे पर 5 मिनट तक करनी। दोस्तों, 5 मिनट तक मसाज करने के बाद में आप इसे अपने चेहरे पर लगा हुआ छोड़ दें। रात भर आपको इसे ऐसे लगा हुआ छोड़ देना है। दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर ये पेस्ट ज़्यादा लग जाता है तो आप इसे कॉटन की मदद से थोड़ा हल्का हल्का पोंछ के साफ़ कर लें, जिससे कि आपके कपड़े ख़राब ना हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपको इसे लगा कर रात भर छोड़ देना है। दोस्तों, रात भर छोड़ने से ये आपके स्किन के अंदर तक एब्जॉर्ब होगा, साथ ही आपके स्किन के अंदर जाकर आपके स्किन से जितने भी काले दाग धब्बे हैं, झुर्रियाँ हैं, झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, सभी परेशानियों को ख़त्म करेगा और आपके चेहरे को तेज़ी से गोरा, चमकदार और सुंदर बनाने का काम करेगा। तो इस पेस्ट को आप रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लगाएं। दोस्तों, इसे इस्तेमाल करने से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर। साथ ही वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।